हवा महल। हवा महल में आज सुनिए विजय सूरी की लिखी हुई नाटिका अपनी मिट्टी की खुशबू। गीता तुम तो कब आए इंडिया से? कल ही आंटी, और आज आपसे मिलने चली आई। कैसी हैं आप? भगवान की कृपा है, आओ बैठो। तो बता कैसा लगा हिंदुस्तान? बहुत अच्छा आंटी, सच कहती हूँ आंटी, मेरा तो दिल ही नहीं करता था वापस आने के लिए। अच्छा, क्या क्या देखा है? ताजमहल, अजंता एलोरा, लाल किला, ये सब तो देखा आंटी, पर मुझे तो सबसे अच्छा लगा मथुरा, वृंदावन, अच्छा गोल्डन टेम्पल और अजमेर शरीफ। अच्छा छोड़, ये बता तेरे चाचा की शादी कैसी? बहुत शानदार। अच्छा, मैंने तो पहली बार भारतीय स्टाइल की शादी देखी आंटी। औरतें ढोलक पर गीत गाती हैं, दूल्हा घोड़े पर सवार, सर पर सहरा बांध कर आता है, बैंड बाजी भांगड़ा। और आंटी जब डोली उठती है ना तो औरतें कैसे कैसे गीत गाती है। सच आंटी मुझे तो रोना आ गया था। वो तो है, बेटी जो पराई हो जाती है। कितना अपनापन है, कितना प्यार है, कितनी ममता है उन गीतों में, है ना आंटी? तो ठीक है, यहाँ तेरे ब्याह में भी वही गीत गाएंगे। घबराते क्यों है? ओ आंटी, अरे शर्माना भी सिखाएंगे ऐसे? नहीं तो? नहीं तो क्या, वहाँ बात बात पर लड़कियाँ छुई मुई का फूल बन जाती है। और कितनी प्यारी लगती है ना? पर आंटी अब वहाँ के शहरों में भी फैशन जोर पकड़ रहा है। अच्छा, मगर गांव में ओल्ड कल्चर आज भी जिंदा है। अच्छा, कश्मीर गई? हाय, किसकी याद दिला दी आंटी, सचमुच स्वर्ग है स्वर्ग। आपने देखा है क्या? देखा है बेटी, तभी तो पूछ रही हूँ। पता नहीं भारत के लोग यहाँ लंदन में आकर रहना क्यों पसंद करते हैं, अपना इतना शानदार देश और अपने लोगों को छोड़कर यहाँ परदेश में गैरों के दरमियान क्या ढूंढने चले आते हैं आंटी? पैसा और आराम की जिंदगी। तो क्या पैसा भारत में नहीं है? भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, और फिर क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है जिंदगी में? क्या यहाँ के गरीब लोग भी अपना देश छोड़कर दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं? अरे अरे, तू तो डॉक्टर से लीडर बनने लगी। अच्छा बता, चाय लेगी या कॉफी? नहीं कुछ नहीं, अब मैं चलूंगी। राम से मिले बगैर जाएगी? मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ आंटी। राम से नहीं? मैं उससे बहुत सख्त नाराज हूँ। भला कोई अपने मंगेतर से भी नाराज होता है? देखो ना आंटी, उसने मेरे एक भी खत का जवाब नहीं दिया, जबकि मैं उसे हर हफ्ते खत लिखती रही हूँ। तो ठीक है, अब तुम जाओ। क्यों? तुम मुझसे मिलने आई थी, मिल लिया, अब राम के आने का वक्त हो रहा है और तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए जाओ। आंटी आप तो बस बात पकड़ लेती है। लो शायद राम आ गया। अरे तेरा चेहरा क्यों गुलनार हो गया? यस मैडम। चलो सरदार जी। किधर चलोगे बहन साहब? पिकाडिली। तीर आखिया जोगिया झूठ बोले ते कौन विछड़े यार मिलाऊंगा। तुम तो बहुत अच्छे गाती हो। बस ऐसे ही मेम साहब, जब भी कोई हिंदुस्तानी सवारी मेरी गाड़ी में बैठती है ना तो अपने आप ही हीर के बोल मेरे होठों पर आ जाते हैं। क्यों, अंग्रेजों को हीर अच्छी नहीं लगती? मेम साहब, अंग्रेज तो गाड़ी में बैठकर अखबार पढ़ने लगता है और मंजिल पर पहुंच कर किराया देकर चलता पड़ता है। और फिर मेम साहब सच पूछो ना तो हीर सुनाने का मजा तो अपनी तरफ के लोगों को ही आता है। डोली चढ़ दिया मारिया हीर चिका मैनू ले चले। कब से हो लंदन में? हो गए जी 20 साल। इस अरसे में कभी घर नहीं गए? जी नहीं। क्यों, दिल नहीं करता? बोलो साहब, दिल तब करता है
जब दिल में कोई अरमान, कोई कशिश, जब दिल में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द हो और जब किसी की याद आते ही दिल तेजी से तड़पने लगता। तुम तो शायरी करने लगे। शायरी नहीं मेन साहब, सीधी सादी बात है। जब मैं यहाँ आया था ना, तो मुझे किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की थी। किसी ने मुझे ये नहीं कहा था कि बलवंशिया तुम सप्त समुंदर पार जा रहे हो, वहां जाके अपनी सेहत का ख्याल रखना, चिट्ठी पत्र लिखते रहना। बस जी, मैं चुपचाप पंजाब के उस छोटे से प्यारे से गांव से निकला और यहाँ आकर टैक्सी ड्राइवर बन गया। जिन लोगों का अपना इस दुनिया में कोई नहीं होता, क्या वो लोग अपना घर, अपना गांव, अपने खेत और अपना देश छोड़ देते हैं? बोलो, चुप क्यों हो? मेन साहब, आपने अपना देश क्यों छोड़ा? मैंने नहीं छोड़ा बलवंत सिंह, मेरे माँ बाप ने छोड़ा था। मैं यहाँ पर ही पैदा हुई हूँ। पर आपकी रगों में खून तो हिंदुस्तानी है। और मुझे उस पर फख्र है। फिर आप वापस क्यों नहीं चली जाती? मेरी बात छोड़ो, अपनी कहो, तुम भारत छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? बड़ी आम सी कहानियां में कोई प्रेम कहानी? हाँ, एक ऐसी प्रेम कहानी जो मोमन हिंदुस्तानी नौजवान की हुआ करती है। कैसी हुआ करती है? आपके मंजिल आ गए हैं साहब। गाड़ी कहाँ ले चलूं? ड्रीम रेस्टोरेंट में। सुनो बलवंत, मैं स्टेट हॉस्पिटल में काम करती हूँ, क्या तुम हर रोज 3 बजे वहाँ से मुझे पिकअप कर सकते हो? क्यों नहीं जी, ये भी कोई गाल ले बादशाह हो। चंगा जी, गुड बाय। जानती हो गीता, रॉबिन और मैगी में तलाक हो गई। रॉबिन और मैगी में? उनकी तो लंबी रिश्ती थी ना राम? हाँ, मगर नहीं निप सकी। ये लोग भी कितनी आसानी से रिश्ते जोड़ते हैं और फिर इन्हें तोड़ भी देते हैं। बस ये दुनिया ऐसी ही है गीता। नहीं राम, ये दुनिया ऐसी नहीं। इसी दुनिया में भारत भी है, जहाँ पति पत्नी के रिश्ते को जन्म जन्म का रिश्ता माना जाता है। और यहाँ यहाँ तो लिबास की तरह जीवन साथी भी बदल दिए जाते हैं। फिर पहुंच गई तुम हिंदुस्तान में, आजकल बार बार में तुम इंडिया का जिक्र ले बैठती। पता नहीं क्या बात है राम, जब से हिंदुस्तान से लौटी हूँ यहाँ का माहौल कुछ अजीब सा लगने लगा है। तुमने अभी भारत नहीं देखा राम, मैं देख कर आई हूँ और फर्क महसूस करती हूँ। वहाँ के इंसानों में खुलूस है, यहाँ बनावट है। वहाँ सुकून है, रोशनी है, प्यार है, अपनापन है और गरीबी भी है, हद से बढ़ी हुई गरीबी। राम, सिर्फ पैसे ही तो सब कुछ नहीं, अपनी मिट्टी की खुशबू, उसका प्यार। गीता, प्लीज स्टॉप दिस। आई एम सॉरी। देखो, डांस शुरू होने वाला है, आओ एक राउंड हम भी नाच लें। कम डार्लिंग, थैंक्स गीता, आई लव यू, आई लव यू डार्लिंग। क्या बात है बलवंत सिंह, आज तुम हीर नहीं गा रहे? कुछ नहीं मेम साहब, ऐसे ही। तुम उदास क्यों हो, बात क्या है? क्या बताऊं मेम साहब, कहीं भी सुकून नहीं है। काले और हिंदुस्तानी लोगों के खिलाफ क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी हो मेम साहब, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मेरे सारे सुफड़े बिखर गए मेम साहब। मेम साहब। कहो बलवंत सिंह। आप डॉक्टर है ना? हाँ, क्यों? कोई ऐसी दवाई नहीं जो पिछली यादों को खत्म कर दे, हमेशा के लिए मिटा दे उन्हें? पिछली यादें खत्म भी हो जाए तो क्या होगा बलवंत, नए हादसे नई बातें भी तो आदमी को हिला कर रख देती हैं। मैं एक बात बड़ी संजीदगी से सोच रही हूँ। कौन सी बात गीता? मैं सोचती हूँ राम कि मैं भी इंग्लैंड को हमेशा के लिए छोड़कर हिंदुस्तान चली जाऊँ। व्हाट नॉनसेंस, लोग वहां से यहाँ आते हैं और तुम वापस जाना चाहती हो। मैं लंदन में बुराई क्या है? मैं बुराई की बात नहीं कर रही हूँ राम, हमारा भी तो एक देश है। अरे हटाओ इस फजूल की बहस को। लेकिन मैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है गीता। क्यों, क्या हुआ? तुम मजाक कर रही हो गीता। मैं मजाक नहीं कर रही राम, सच कह रही हूँ। मैंने बहुत दिनों सोचने के बाद फैसला किया है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता गीता। सुनना होगा राम और सोचना होगा,
हर उस हिंदुस्तानी दिमाग को सोचना होगा जो अपनी बेस्ट एबिलिटीज इन लोगों के लिए सर्व कर रहा है। उसे अपने लोगों के बारे में सोचना होगा राम, अपने देश के बारे में सोचना होगा। गीता, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं इंडिया चला चलूंगा? अगर तुम्हें मुझसे प्यार है राम, तो तुम जरूर चलोगे। और अगर तुम्हें मुझसे प्रेम है तो तुम इंडिया नहीं जाओगी। मुझे तुमसे प्यार है राम, मगर मुझे अपने देश और अपने लोगों से भी प्यार है। तो इसका मतलब तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? अगर तुम प्यार का रिश्ता तोड़ना चाहो और यहाँ खैरों में रहना चाहो तो मुझे सचमुच तुम्हें छोड़ जाने का कोई दुख नहीं होगा। तो ठीक है, तुम चली जाओ, चली जाओ तुम। मैं लंदन से बाहर नहीं जाऊंगा। थैंक यू राम, तुमने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। ये भी कोई बात है गीता, राम मुझे छोड़ने तक नहीं आया। क्या माँ के लिए उसका प्यार खत्म हो गया? मैम साहब। अरे बलवंत, तुम भी भारत जा रहे हो क्या? ओ नहीं जी, हमने कहाँ जाना है, मैं तो आपकी सवारी लाया हूँ। कौन सी सवारी? वो देखिए, डॉक्टर राम। राम, मेरा बेटा। माँ, इधर आओ माँ, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ। माँ, मैंने तुम्हारे नाम कुछ रुपए इंडिया ट्रांसफर करा दिए हैं। हाँ। ये रहे उसके पेपर्स। सुनो बलवंत, तुम भी क्यों नहीं चलते पंजाब के उस छोटे से गांव में जहाँ कभी तुम रहती थी, जहाँ तुम्हारी बसंत कौर रहती थी? नहीं मेन साहब, तुसी जाओ। क्यों, क्या घर की याद बिल्कुल नहीं आती? आती है मेन साहब। अच्छा मेन साहब, आपको एक राज की बात बताऊं? कौन सी बात? मैंने उस रोज आपको अपनी प्रेम कहानी सुनाई थी ना। हाँ, बसंत कौर वाली। क्यों मेन साहब, अब आप भारत जा रही हैं, आपने अपनी धरती की पुकार सुन ली है, इसलिए आपसे नहीं छुपाऊंगा। प्रेम साहब, मेरी उस प्रेम कहानी में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। अरे तो फिर? प्रेम साहब, दरअसल मेरा बाप मेरी माँ को और मुझे छोड़कर यहाँ विलायत में पैसे कमाने आया था। फिर वो वापस नहीं आया। मैं तब छोटा था, और जब बड़ा हुआ तो अपने बाप की तलाश में यहाँ चला आया, मगर उसका कोई पता नहीं चलिया। और तुम्हारी माँ? वो मेरे यहाँ आने के एक साल बाद युवा गुरुओं को प्यारी हो गई जी। तब से मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, और अपनी टैक्सी में बैठने वाले हर हिंदुस्तानी को हीर सुनाकर और अपनी फर्जी प्रेम कहानी सुनाकर उसके दिल में हिंदुस्तान की याद ताजा रखता हूँ, ताकि एक न एक दिन वो वापस अपने घर चला जाए और कोई पत्नी अपने पति का और कोई बच्चा अपने बाप का इंतजार न करता रहे। मगर तुम खुद क्यों नहीं जाते? अभी मेरा काम खत्म कहाँ हुआ है मीन साहब। चंगा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ठहरो बलवंत, मैं भी तुम्हारी टैक्सी में वापस जाऊंगा। अरे मैं तो समझी थी राम कि तुम आदमी वही गीता जो अपने असूलों पर कायम रहे। इस बात पर तुम बहुत बहस कर चुके हैं राम, लेकिन मुझे यकीन है एक न एक दिन तुम्हारा ये वनवास जो तुमने खुद ले रखा है खत्म होगा, और अपनी धरती की पुकार और अपनी मिट्टी की खुशबू तुम्हें खींच लाएगी। अपनी मिट्टी की खुशबू। हवा महल में अभी आपने विजय सूरी की लिखी हुई ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर। Thank you.